ऑफ एन इन्वेंशन इज कॉल्ड बायोपेटेंट। बायोपेटेंट एक बायोपेटेंट वह घटना है जिसमें क्या होता है जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है या गवर्नमेंट के थ्रू क्या है अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि क्या होता है कोई भी इन्वेंटर या खोजकर्ता जो होता है अपनी रिसर्च का जो रिसर्च किया जाता है या जो फार्मूला तैयार किया जाता है जिस साइंटिस्ट के थ्रू, उस साइंटिस्ट को एक बायोपेटेंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उस बायोपेटेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है वो व्यक्ति अपनी रिसर्च को जो है किसी अदर व्यक्ति को कॉपी नहीं करने देता है, ठीक है, या उसका उस पर अधिकार होता है। यदि कोई अन्य संस्था या अन्य देश क्या करता है उस व्यक्ति उस मतलब कि प्रोडक्ट का की नकल करती है या उसकी ही जैसी नई जो है चीज़ें बनाती है तो उसे उसका क्या है जो है रॉयल्टी देना पड़ती है, ठीक है। बायोपेटेंट जो है इसके एक टाइम लिमिट होती है, बायोपेटेंट अबाउट 20 ईयर तक 20 साल तक ही जो है पाया जाता है। वो व्यक्ति जिसने उसकी खोज की है रिसर्च की है उसको बायोपेटेंट के लिए 20 वर्ष तक उसका अधिकार होता है। उसके बाद जो है कोई भी विदेशी कंपनी या अन्य कंपनियां जो होती है उस वस्तु की कॉपी करके नया प्रोडक्ट तैयार कर सकती है, ठीक है। इंडिया में जो है जो कोलकाता में बायोपेटेंट का सेंटर है जहाँ पर बायोपेटेंट किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हर एक देश या जो है सभी दूर का बायोपेटेंट होता है, ठीक है। बायोपेटेंट के अकॉर्डिंग जो है साइंटिस्ट अपनी रिसर्च जेनेटिक रिसर्च, ठीक है, इसी प्रकार से न्यू जो है स्पीशीज की रिसर्च या कोई नए मेडिसिन का जो फार्मूला, ठीक है, वो सब क्या होता है उसका बायोपेटेंट कराते हैं, ठीक है। तो दिस इज बायोपेटेंट, ओके। बायोपेटेंट में क्या है जो है विदेशी कंपनियां जो है बायोपेटेंट करवा करके उस चीज की जो है जायज़ क्या करती है रॉयल्टी वसूल करती है, ओके। तो आज हमारा जो है दो पॉइंट हमने कंप्लीट किए, फर्स्ट बायोपायरस एंड बायोपेटेंट। तो दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ओके। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके, जय हिंद।